नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। महंगाई के विरोध में आज भले ही कितनी ही राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही हो और धरने प्रदर्शन कर रही हो, लेकिन इस महंगाई से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है आम आदमी। आम आदमी इस महंगाई से इस कदर परेशान हो चुका है कि अब उसकी कुछ भी बोलने में जबान भी लड़खड़ाने लगी है। कुछ ऐसा ही दर्द हमारे साथ बयां किया एक ग्राहक ने, आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सब्जियों के भाव देखकर कैसा क्या महसूस करते हैं? बहुत सारी महंगाई हो चुकी है। पिछले साल 3 साल से जो इतनी महंगाई हुई है ना सब्जियों में, वो पहले कभी भी नहीं थी। जो 20 रुपये किलो की चीज़ थी वो 60 रुपये किलो हो चुकी है। मिर्ची 20 रुपये किलो में बिकती थी, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ने से, डीजल के दाम बढ़ने से अब 60 रुपये किलो मिर्ची खरीदी जा रही है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। सब्जियाँ जो 30 रुपये किलो थी 80 रुपये किलो हो गई है। नींबू 200 रुपये किलो बिक रहा है, जो कि 100 रुपये किलो से कम बिकता था गर्मी में। हर चीज़ डबल से ऊपर हो गई। तो आप क्या मुख्य कारक क्या मानते हैं सब चीज़? सबसे ज़्यादा महंगाई को मानते हैं पेट्रोल डीजल के साथ में महंगाई मानते हैं हम। पेट्रोल डीजल जितना दाम बढ़ेंगे ना उतनी हर चीज़ की महंगाई बढ़ेगी। और मोदी जी ने अपना वेट जब करके और ये चीज़ कम नहीं करेंगे ना, तो पेट्रोल के दाम और जैसे बढ़ते जाएंगे, महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ती जाएगी हर खाने की चीज़ों में। और हर का घर का बजट 5,000 रुपये महीने से लेकर 15,000 रुपये महीने का लोगों का बढ़ जाएगा, मीडियम क्लास का, जो बजट से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप सेंटर गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल, सेंटर गवर्नमेंट सबसे पहले, सेंटर गवर्नमेंट है, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट आती है। अगर सेंटर गवर्नमेंट ही सुधर जाएगी तो स्टेट अपना सुधर जाते थे, उसके बेस पर वेट लगता है। आप सेंटर की जो रेटें कम हो जाएगी तो अपना वेट कम हो जाता है, ये तो सब जगह जानते हैं। ये तो महज एक बानगी थी। इसी तरह के हजारों और लाखों की तादाद में लोग हैं जो महंगाई से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और काफ़ी हताश भी हो चुके हैं। महंगाई को लेकर कई लोग केंद्र सरकार को तो कई लोग राज्य सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।